इज्जत ने इज़राइल से पूछा, ये बात बड़ी अहम है, क्या पूछा? इज़राइल से पूछा, ए इज़राइल बता, तुझे जिंदगी में कभी किसी पे तरस भी आया? तू जान निकालता है, मौत देता है, रूह कब्ज करता है, तो यकीनन हर बंदे के पास तू जाता है, रूह कब्ज करता है, तो कभी किसी पे तरस भी आया? अब इज़राइल ने भला क्या जवाब दिया? कहा माला हां, दो जगहों पे आया। पूछा कहां? फरमाया मौला एक दफा तेरा हुक्म था कि ये समंदर में एक फुला जहाज जा रहा है, उस पूरे के पूरे जहाज को डबो दे, पूरे के पूरे जहाज को। अब अल्लाह का तसर्रुफ बता रहा हूं कि उसकी ताकत और तसर्रुफ क्या है, और उसकी मर्जी और कुदरत क्या है, और फिर मर्जी और कुदरत के साथ उसकी हिकमत क्या है। अल्लाह फरमाता है इस जहाज को पूरे को पूरा डबो दे। अब जहाज डबो दिया, जब जहाज डूबा तो पूरा जहाज तबाह हो गया, मगर फरमाया एक बच्चे को बचा ले, छोटा सा एक बच्चा था, फरमाया इसे उसी कश्ती के फट्टे पे बिठा और बिठा के किनारे की तरफ चला दे। अब उस दरिया में समंदर में एक छोटा सा बच्चा बचता है, तो इज़राइल अर्ज करता है मौला वो जो एक पूरे जहाज में बच्चा बचा था ना मौला, उसे जब मैंने देखा कि तने तनहा है, इसे पालेगा कौन, इसे संभालेगा कौन, इसे खिलाएगा कौन, तो मौला उस बच्चे को जब अकेला पानी की सतह पर ठंडक में तैरता हुआ देखा, मुझे तरस आ गया कि मौला काश तू मुझे हुक्म देता, मैं इसकी भी रूह कब्ज कर लेता, तो मुझे वहां तरस आया। तो रब ने पूछा अच्छा एक मुकाम तो ये हो गया, दूसरा मुकाम बता जहां तुझे तरस आया था। अर्ज की मौला वो एक शद्दाद था तेरा बंदा, शद्दाद, इसने खुदाई का दावा किया था, और खुदाई का दावा भी ऐसा किया कि इसने अपने आप को खुदा भी कहा, ये लोगों को मौत भी देता, जिंदगी भी देता, माल भी देता, सजदे भी करवाता, पुजवाता भी, लोगों से इबादत भी करवाता, और अपनी जन्नत बना रखी थी। अपनी जन्नत जब बनाई तो कहा कि मैं अपनी जन्नत का नजारा करके आता। जब जन्नत का नजारा करने के लिए जा रहा था तो अल्लाह ने इज़राइल को हुक्म दिया होने दी रूह काट ले, अब इसकी रूह कब्ज कर ले, निकाल ले। तो इज़राइल अर्ज करता है बारी ताला वो जन्नत देखने जा रहा था, मुझे उस वक्त उस पे तरस आया कि जिसने सारी जिंदगी इस जन्नत के नजारे के लिए गुजारी, तूने उसे जन्नत देखने से पहले ही वापस बुला लिया, एक उस मौका पर मुझे तरस आया। अल्लाह ने फरमाया अब तुझे बताऊं वो बच्चा कौन था? पूछा क्या? अल्लाह ने फरमाया वो जो समंदर में पूरा दरिया समंदर में पूरा जहाज डुबाया था, एक बच्चे को बचाया था। देख ये जिसने खुदाई का दावा किया और शद्दाद की शक्ल इख्तियार कर गया, ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा। बचाना चाहे तो पूरा जहाज डुबोकर एक बच्चा बचाता है, डुबोना चाहे तो जन्नत।